आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज का ये वीडियो थोड़ा डिफरेंट होने वाला है क्योंकि हम लोग एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो के बारे में बात कर रहे हैं। वीडियो के दौरान हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि अगर S-400 ट्रायंफ के अगेंस्ट एक बॉम्बर को डाला जाए तो इनकी परफॉर्मेंस कैसी रहने वाली है। वेल, इस वीडियो के पीछे लॉजिक मैं आपको बता देता हूँ। कल हम लोगों ने एक वीडियो किया था जहाँ पर हम लोगों ने आपको बताया था कि पुराने एयर चीफ मार्शल अरूप रहा सर की तरफ से ये कहा गया है कि भारत को स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड में बॉम्बर्स को इंडक्ट करना चाहिए और उसके सपोर्ट में और अगेंस्ट बहुत सारी ओपिनियंस निकल कर आई हैं। देखिये, नॉर्मली ओपिनियंस को लेकर सही या गलत नहीं कहा जा सकता क्योंकि आपकी और मेरी ओपिनियन अलग हो सकती हैं और क्योंकि हम लोग अलग इंडिविजुअल्स हैं तो होनी भी चाहिए। लेकिन हम लोग ये ओपिनियन नॉर्मली कुछ अंडरस्टैंडिंग्स के बेसिस पे बनाते हैं और कुछ लोगों की तरफ से ये चीज कही जा रही है कि बॉम्बर्स कंटेस्टेड एयर स्पेस में ऑपरेट नहीं कर सकते हैं और जब आपके एनिमी के पास में S-400 ट्रायंफ जैसे सिस्टम्स हैं तो ये ना के बराबर इफेक्टिव होंगे। इसी चीज को डिटेल में समझने के लिए आज का ये हाइपोथेटिकल सिनेरियो हम लोग एनालाइज करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ये कितना स्ट्रांग आर्ग्यूमेंट है। एनालिसिस को सिंपल रखने के लिए हम लोग केवल रशियन बॉम्बर्स के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन अगर आप अमेरिकन बॉम्बर्स की भी बात करें तो ब्रूट परफॉर्मेंस के हिसाब से दोनों देशों के बॉम्बर्स लगभग बराबर क्षमताएं रखते हैं और जब बात आती है B-2 बॉम्बर की तो वो एक नेक्स्ट लेवल का बॉम्बर है। तो बेसिकली अगर आप TU-160 को S-400 ट्रायंफ के सामने डालते हैं तो आपके दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन आएगा कि S-400 ट्रायंफ एक लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है और ये लगभग 400 किलोमीटर की दूरी पर TU-160 को मारकर गिरा सकता है। देखिए, TU-160 हवा में बहुत ज्यादा तेज नहीं है और अगर ये बॉम्बर S-400 ट्रायंफ के रेंज में आता है तो S-400 ट्रायंफ काफी आसानी से इस बॉम्बर को मारकर गिरा सकता है। और अगर इस बॉम्बर की बेसलाइन मिसाइल सिस्टम्स की बात की जाए यानी कि KH-15 की बात की जाए तो उनकी रेंज 300 किलोमीटर की है। हालांकि ये बॉम्बर 12 ऐसे मिसाइल सिस्टम्स कैरी कर सकता है लेकिन इन मिसाइल सिस्टम्स की रेंज केवल 300 किलोमीटर की है और इस वजह से इस बॉम्बर को इस सिनेरियो में S-400 ट्रायंफ की रेंज में आना पड़ेगा और ऐसे सिचुएशन में S-400 ट्रायंफ इस बॉम्बर को मारकर गिरा सकता है। लेकिन चीजें बदल जाती हैं जब बात आती है KH-55 सीरीज की। KH-55 जिसका लेटेस्ट वेरिएंट KH-101 कहलाता है, उसका बेसलाइन वेरिएंट 600 किलोमीटर तक की रेंज प्रोवाइड करता है और ऐसी सिचुएशन में ये बॉम्बर S-400 ट्रायंफ की रेंज से बाहर रह के टारगेट के ऊपर ये 6 मिसाइल सिस्टम्स लॉन्च कर सकता है और अपने बेस वापस जा सकता है। लेकिन ऐसे सिनेरियो में क्वेश्चन निकल कर आता है कि अगर उस इलाके में फाइटर जेट से कॉम्बैट एयर पेट्रोल की जा रही है तो ये बॉम्बर फिर से इन फाइटर जेट की रेंज में आ जाएगा और अगर बॉम्बर फाइटर जेट की रेंज में आया तो ये फाइटर जेट इस बॉम्बर को मारकर गिरा सकेगा। वैसे बॉम्बर्स के साथ में एस्कॉर्ट फाइटर्स होते हैं लेकिन यहाँ पर हम लोग उस चीज को कंसिडर नहीं कर रहे हैं। आप में से ज्यादातर लोग ये चीज जानते होंगे कि F-16 की कॉम्बैट रेडियस 550 किलोमीटर की है और अगर ये बॉम्बर 600 किलोमीटर के स्टैंड ऑफ डिस्टेंस से टारगेट के ऊपर एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल सिस्टम लॉन्च करने की कोशिश करता है तो कॉम्बैट एयर पेट्रोल कर रहे एयरक्राफ्ट इसको इंटरसेप्ट कर सकते हैं। हालांकि रिएक्शन टाइम वाली कैलकुलेशन चीजों को कॉम्प्लेक्स करेगा लेकिन इसको भी हम लोग बॉम्बर की तरफ नेगेटिव डालकर एनालिसिस में आगे बढ़ते हैं। TU-160 के केस में जो लेटेस्ट मिसाइल सिस्टम्स इंटीग्रेट की गई हैं, जो कि KH-101 और 102 हैं, उनकी रेंज लगभग 2000 किलोमीटर की है यानी कि ये बॉम्बर काफी दूरी से, इनफैक्ट कॉम्बैट एयर पेट्रोल कर रहे फाइटर जेट्स की कॉम्बैट रेडियस से काफी बाहर से अपने टारगेट को एंगेज कर सकते हैं और बेस पर लौटकर वापस जा सकते हैं। वहीं पर अगर आप TU-22 को एक एग्जांपल के तौर पर ले लें जो कि कंपैटिबली एक छोटा बॉम्बर है तो वो केंजल जैसी हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स भी लॉन्च कर सकता है और लगभग 2000 किलोमीटर रेंज वाले ये एयर लॉन्च मिसाइल सिस्टम्स किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम से इंटरसेप्ट नहीं होंगी। अगर आप S-400 ट्रायंफ की बात करें तो इस सिस्टम की एक स्क्वाड्रन में 2 बैटरीज होती हैं, वहीं पर हर एक बैटरी में 4 लॉन्चर्स होते हैं यानी कि इन टोटल एक स्क्वाड्रन में 8 लॉन्चर्स होते हैं। हर लॉन्चर 4 मिसाइल सिस्टम कैरी करता है जो कि रेडी टू फायर मोड में होती हैं, यानी कि इन टोटल 32 इंटरसेप्टर किसी भी समय पर थ्रेट्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए अवेलेबल होते हैं। अगर आप इलाके में 32 Su-30 MKIs ब्रह्मोस के साथ में भेजते हैं तो 300 किलोमीटर रेंज वाली ब्रह्मोस के साथ में इन फाइटर जेट्स को S-400 की रेंज के अंदर जाना पड़ेगा और S-400 ट्रायंफ 32 ऐसे फाइटर जेट्स को मारकर गिरा सकता है। इन थ्योरी केवल 3 TU-160 बॉम्बर्स इस पैकेज से ज्यादा मिसाइल सिस्टम कैरी कर सकते हैं और न ही केवल ये ज्यादा मिसाइल सिस्टम कैरी कर सकते हैं बल्कि इनकी स्टैंड ऑफ रेंजेस बहुत ज्यादा हैं और इसी वजह से बिना कॉन्टैक्ट में आए ये स्टैंड ऑफ रेंजेस से अपने वेपन्स को डिप्लॉय करके वापस जा सकते हैं। बॉम्बर्स के साथ में जो सबसे बड़ी परेशानी है वो है कॉस्ट। एक टिपिकल Su-30 MKI की कॉस्ट
अप्रोक्सीमेटली 50 मिलियन यूएस डॉलर्स की है। वहीं पर एक TU-160 बॉम्बर लगभग 300 मिलियन यूएस डॉलर्स का है। इसके अलावा छोटे बॉम्बर्स का भी ऑप्शन अवेलेबल है, जैसे कि TU-22। इन थ्योरी ये चीज कही जा सकती है कि S-400 ट्रायम्फ के सामने बॉम्बर्स सिटिंग डक नहीं है, जैसा कि आमतौर पर धारणा होती है। इनफैक्ट स्टैंड ऑफ वेपन्स के साथ में बॉम्बर्स S-400 ट्रायम्फ को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।